ಸರ ಪ್ರೇಮ ಮತ डिस्टेंस बना के रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए, पीछे 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 आप निकले हैं लेकिन अब तक सीएम को फुर्सत नहीं मिला बाहर निकलने के लिए। देखिए मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है लेकिन वो नहीं निकले। मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं निकले। वो उनकी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं नजर आए होंगे, आपदा मंत्री भी नहीं नजर आए। तो आप देखिएगा बिहार में हाहाकार मचा है, बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने के लिए नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, त्राहिमाम जनता कर रही है, मर रही है और इनको सरकार जो है पूछने का काम नहीं कर रही है और पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आया हुआ है। खास तौर पर जो चंपारण का इलाका है यहाँ गंडक नदी वगैरह जो है कहर मचा के रखी हुई है, इसको देखते हुए जो है लोगों का जान मान का नुकसान हो रहा है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर चालू करना चाहिए, खाने पीने का जो सामूहिक रसोई है वो ज़्यादा से ज़्यादा चालू करना चाहिए। लगभग उत्तर बिहार में 14 जिले जो हैं वो चपेट में हैं और लगभग 1000 के आसपास पंचायत जो हैं वो चपेट में हैं। तो हम लोग लगातार यही कहते रहे कि संख्या जो है आपको 40 लाख आबादी जो है प्रभावित हुई है इससे, 40 लाख और सरकार का इंतज़ाम केवल 26,000 लोगों का ही रुकवाने का है, इसको तो और बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं, जायज़ा लिए हैं, चंपारण चाहे बेतिया का इलाका हो, आपका मोतिहारी का इलाका हो, आपको पता है कि सुगौली जो है बॉर्डर का इलाका है, यहाँ जा कर के देखा गया तो सब लोग जो है जान माल बचाने के लिए अपने सड़क पे ही लोग रह रहे हैं। तो इनको आर्थिक रूप से मदद करना, खाने पीने की सामग्री जो बंटवाना, ये काम चल रहा है। सर पप्पू यादव का कहना कि तेजस्वी जी निकल रहे पिकनिक मनाने। ठीक, चलिए हो गया।